गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हमारी वर्कशीट नंबर है 10। विद्यार्थियों का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर अपने टीचर का नाम। आज डेट है हमारी 6 अगस्त 2021। चलिए देखते हैं हमारी वर्कशीट में आज क्या आया है। सुनिधि पहाड़ों पर घूमने गई। वहाँ उसने देखा कि एक बहुत बड़े पेड़ पर अखरोट लगे हुए हैं। सुनिधि ने पहली बार अखरोट का पेड़ देखा था। पेड़ के पास कद्दू की बेल थी, उस पर बड़े बड़े कद्दू लगे हुए थे। सुनिधि को अखरोट भी पसंद थे और कद्दू भी। सुनिधि सोचने लगी, इतने बड़े पेड़ पर छोटे छोटे अखरोट और इतनी छोटी सी बेल पर बड़े बड़े कद्दू, ऐसा क्यों? बड़े पेड़ पर बड़े कद्दू होने चाहिए और छोटी बेल पर छोटे अखरोट होने चाहिए। वह पेड़ के नीचे बैठी बैठी सोच रही थी कि तभी उसके सिर पर एक छोटा सा अखरोट आकर गिरा। उसने तुरंत कहा, पेड़ पर तो अखरोट ही ठीक है, अगर कहीं कद्दू होता तो मेरा क्या होता। चलिए, कितनी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी ना। चलिए आप उसके क्वेश्चन आंसर करते हैं हम लोग। प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर एक, सुनिधि कहाँ घूमने गई थी? जैसा कि हमने पढ़ा, सुनिधि पहाड़ों पर घूमने गई थी। सुनिधि ने पहली बार क्या देखा? सुनिधि ने पहली बार अखरोट का पेड़ देखा। सुनिधि को क्या देखकर हैरानी थी? सुनिधि को बड़े कद्दू देखकर या छोटे अखरोट देखकर हैरानी थी? सुनिधि के सिर पर क्या आकर गिरा? आपको पता है कि उसके सर पर छोटा सा अखरोट आकर गिरा था। अखरोट सिर पर गिरने के बाद सुनिधि ने क्या कहा, लिखिए। जब उसके सर पर अखरोट गिरा तो उसने क्या बोला? अरे, पेड़ पर तो अखरोट ही ठीक है। चलिए, मजा आया इस वर्कशीट को करने में। अब आपका एक छोटा सा काम है कि आपको ये भी लिखना है कि सुनिधि की तरह आप अपनी इसी प्रकार की घटना याद करके लिखिए और अपने शिक्षक से चर्चा कीजिए। तो आप एक छोटी सी स्टोरी, अगर आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ हो तो आप अपनी कॉपी में सभी बच्चे लिखेंगे। धन्यवाद।